जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आपके जीवन में अगर भी कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अक्सर हम किसी भी चीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारे आर्थिक रूप से हमारी तंगी रहती है, प्रेम प्रसंग में धोखे हो जाते हैं। हमारे जीवन में मतलब तकलीफ़ें कितनी प्रकार की है, उन तकलीफ़ों के पीछे एक बहुत बड़ा वजह है कि कुछ किसी व्यक्ति ने कुछ कर रखा है। अब क्या कर रखा है, पहली तो ये बात शुरू होती है, दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है कि किसने कर रखा है। और ये प्रश्न जो है हमारे मन में बहुत हद तक तकलीफ़ देते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि वो लोग कौन हैं जो लोग आपके घर में इस तरह की यह चीज़ें कर रहे हैं। क्या आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, आपके जानने वाले हैं, कौन हैं वो लोग? तो उन लोगों को कैसे हम पहचानें, वो लोग कौन हैं, उनसे कैसे बचें और इससे कैसे बाहर आए, इस पूरे विषय पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको एक सही सकारात्मक जानकारी दी जाए जिससे कि आप अपने जीवन में इन परेशानियों से बाहर आ पाएँ। दोस्तों, अक्सर मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं और इन कमेंट्स की वजह से मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान होते हैं इन सभी मामलों से। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पहले छोटा सा निवेदन है मेरा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप लिखिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, इस बहाने हम भोलेनाथ का नाम कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप फ़ोन लगाकर व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी इस तरह की कोई बातें होती है ना दोस्तों, तो एक भ्रम हम में भरा जाता है। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, आपके हमारे सबके, तो उस उतार चढ़ाव में कोई व्यक्ति आपको कहेगा किसी ने कुछ कर रखा है। वो आपका अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, वो भी अपनी अज्ञानता की वजह से ये बात कहते हैं और वो एक भ्रम आपके मन में भर देते हैं। और वो भ्रम इतना गहरा होता है कि उसको मिटाने के लिए हम कई सारे यंत्रों, तांत्रिकों के सिलसिले में फंस जाते हैं, कई सारे ठगों के इसमें फंस जाते हैं, धन का भी आर्थिक हानि होती है, कई बार हम अलग अलग परेशानियों में फंस जाते हैं। इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इस तरह के जादू दिखाकर कोई भी डैमेज नहीं पहुँचा सकता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म की आज़ादी हर एक व्यक्ति को है और किसी भी व्यक्ति के जीवन पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। अधिकार होने से मतलब है उसे, वो बाहरी तौर पर उसे डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। हाँ, वो मानसिक रूप से आपको कुछ शब्द कहेगा, डराएगा और इस तरह से वो कर सकता है, पर रियलिटी में, रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस भ्रम से हमेशा बाहर रखें, कुछ नहीं होता।